हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करते हैं रजिस्टर रजिस्टर के बारे में, कि इसका जो इस पे रंग है, जो आप देख सकते हो इसके ऊपर जो रंग है, इन रंगों से इसकी वैल्यू, जो इसका नंबर है, वो कैसे निकाला जाए और ये क्या फार्मूला है। दोस्तों, एक फार्मूला ये है जो कि थोड़ा टफ है, मुश्किल है, लेकिन जो मैं आसान तरीका आप लोगों को बताऊंगा वो आप यूज कर सकते हो। आपको जो भी रजिस्टर जहाँ से निकाली है उसी वैल्यू का ही डालना पड़ेगा, जो मेरा आसान तरीका है। और जो इससे आप इससे ये भी पता लगा सकते हो कि इससे कम ज़्यादा कर सकते हैं जो रजिस्टर के अपनी वैल्यू निकलेगी। तो आज हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपको ये नंबर दिए हुए हैं और आगे रंग लिखे हैं, काला, बुरा, लाल, संतरी, पीला। तो इसके आगे ये नंबर दिए हुए हैं, ये जो है ये इनकी वैल्यू दर्शाता है, यानी कि आपका कहीं भी बुरा रंग हो तो उसका एक नंबर होगा, लाल हो उसका दो और संतरी हो उसका तीन। तो आज हम बात करते हैं कि इसकी वैल्यू कैसे निकालें। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी हम वैल्यू निकालते हैं तो 999, तो इससे पहले जो हमारी होती है ओम के अंदर रजिस्टर, और जब आ जाती है 1000 तो ये हमारी के अंदर आ जाती है, और जब हमारे इसके पीछे 6 जीरो लग जाती हैं तो ये हो जाती है हमारी मेगा। ओके, तो आज हम बात करते हैं इसकी वैल्यू कैसे निकालें। सबसे पहले आप लोगों को ये याद करना ज़रूरी होगा, जो रंग की वैल्यू है, आप ये रंग की जो पीछे वैल्यू दी हैं आपको ये याद करनी होगी। अब हम इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे देखते हैं। आप देख सकते हैं मेरे हाथ में जो रजिस्टर है और इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। इस पर रंग आप देख सकते हो, ये है हमारे रंग, यानी कि संतरी, संतरी, लाल और गोल्ड। तो संतरी, संतरी, लाल और गोल्ड को हम लिख लेते हैं, यह है हमारी संतरी, संतरी, लाल और गोल्ड। तो हमने ये लिख लिया है। अब हम देखते हैं जो इसकी रंग की वैल्यू क्या है। सबसे पहले हम लिखेंगे संतरे की, जो कि हम उसकी वैल्यू है 3, तो हमने 3 लिख दिया। अब दोबारा फिर संतरी है तो इसकी भी 3 ही है, तो हमने 3 लिख दिया। अब हमारे पास है रंग लाल, तो यह हमारा लाल का 2 है। तो आपको क्या करना है, जो भी 3 नंबर पे रंग मिलेगा आपको, उसका जितनी भी वैल्यू होगी आपके पास, जैसे कि यानी कि यहाँ संतरी होता 3 होता, अभी लाल है तो 2 है, तो इसके पीछे उतनी ही आपको 0 लगा देनी है। अब इसको कर लो आप इकट्ठा, यह होगा हमारा 3300। ठीक है, और अब हम इसको कर देते हैं 1K से। अब इसको भाग करेंगे तो क्या निकल के आएगा हमारे पास, 3.3K। तो जो इसकी वैल्यू है ये 3.3K की है। हम ले लेते हैं एक दूसरी रजिस्टर, ये है हमारे पास, इसका रंग आपको दिखा सकता हूँ मैं, भूरा, काला, लाल। ये आप देख सकते हो इसका जो रंग है वो भूरा, काला, लाल है। तो अभी हम लिखते हैं, ये हमारा भूरा, ये हमारा काला और ये हम लाल, और लास्ट पे है गोल्ड, तो ये गोल्ड हम लिख सकते हैं। तो ये कई कईयों के पीछे ये होगा कि गोल्ड होगा या स्लेटी होगा, तो इसका महत्व क्या है, इसका महत्व मैं आप लोगों को इसी वीडियो में बताएंगे, वीडियो पूरा देखें। तो अभी हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। आपको जैसे कि पता है भूरे का क्या है 1, और लाल का सॉरी काले का क्या है 0, काले की 0 है, और हमारे पास है लाल, लाल का क्या है तो 2 है, तो हम इसके पीछे 2 जीरो लगा देते हैं। अब हम इसको कर देते हैं, अब आप इसको, तो कितना आएगा 1,
तो वो ये हो गई हमारी वन के, ठीक है। और दूसरी एक और ले लेते हैं, इसमें थोड़ा डिफरेंस है आपको, मैं इसको ये देख सकते हो आप, इसके अंदर रंग ये है पीला, फिर बैंगनी और फिर काला फिर गोल्ड। तो अभी हम लिख लेते हैं, पहले ये हमारा जो है पहले पीला है, फिर हमारा जो बैंगनी है, फिर हमारा काला और फिर हमारा लास्ट में गोल्ड। अब हम इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आपको ये याद जरूरी करना है कि जो जितना रंग है उसके पीछे इसकी वैल्यू क्या है। सबसे पहले हमारे पास पीला है, तो पीले की वैल्यू है हमारे पास 4, और फिर है हमारे पास बैंगनी, तो बैंगनी है हमारे पास 7। अब आ गई बारी एक काला। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, काले का जो 3 नंबर पे होना उसकी कोई मायना नहीं रखता, उसको आप वैसे ही छोड़ सकते हो, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो ये हमारा जो टोटली है, यदि आपके पास यानी कि ये हमारा 47 ओम है, ये 47 ओम है, तो इसकी जगह है हम 770 ओम समझ, जैसे कि मैंने बताया है कि उसकी वैल्यू के पीछे उतनी जीरो लगानी है, तो इसकी जीरो वैल्यू है, तो जीरो को तो कोई मायना नहीं है। एक से स्टार्ट होता है हमारी 1 जीरो, 2 से 2 जीरो। तो ये जो 3 नंबर पे यदि इसकी वैल्यू आप समझ रहे हो 470 ओम है, तो उसका जो उसके रंग होंगे वो ऐसे होंगे, ये हमारा पीला, फिर हम लिखेंगे बैंगनी, फिर लिखेंगे हम काला, फिर दोबारा काला रंग आएगा और फिर गोल्ड आएगा। ये है हमारी 470 ओम की रजिस्टर। ओके, जो 3 नंबर पे काला आता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। अब हम एक और रजिस्टर की निकाल लेते हैं वैल्यू, इसका रंग हम देख लेते हैं, ये हमारे पास संतरी संतरी बूरा। तो अभी हम लिखते हैं यहाँ पर संतरी संतरी सॉरी संतरी और बूरा और गोल्ड, लास्ट में गोल्ड होता है। इस गोल्ड का भी आप इसी वीडियो में देखेंगे, पहले हम ये समझ लेते हैं। इसमें है संतरी संतरी और बूरा, जैसे कि आपको पता है संतरी की 3, फिर हमारे पास है संतरी 3, फिर हमारे पास है बूरा 1, तो इसकी 1 जीरो ही लगेगी, ठीक है। तो अब हमारा ये कितना हो गया, 300, ये हो गया हमारा 330 ओम। तो दोस्तों ये बिल्कुल आसान तरीका है मेरे पास, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है रजिस्टर की वैल्यू निकालने का, तो मेरा ये रहा है, और जिससे मैं बिल्कुल आसान तरीके से निकाल लेता हूँ। तो सबसे पहले आपको ये याद करना ज़रूरी है। अब हम करते हैं गोल्ड, जैसे कि आप लास्ट में देख सकते हो गोल्ड और सिल्वर, जैसे कि आपके पास यहाँ लिख लेते हैं हम, ये हमारा है संतरी, ये हमारा संतरी, यहाँ हम बूरा, और यहाँ पर आपके पास सिल्वर आ जाए, ठीक है। तो सिल्वर आएगा, सॉरी यार, यहाँ पर आपके पास सिल्वर आ जाए रंग, जो गोल्ड की जगह है, लास्ट में आपको दिखाना चाहता हूँ, ये गोल्ड है, ये रंग जो लास्ट में है ये गोल्ड है, ये देखो ये गोल्ड रंग है, ये आपका सिल्वर रंग आ जाए तो क्या करते हैं। और सबसे पहले एक मैं आपको बताता हूँ, जो लास्ट में रंग होता है आप देख सकते हो, आपको जो रजिस्टर की वैल्यू है जैसे कि ये है, इसकी स्टार्टिंग कहाँ से करनी है। आप देख सकते हो यहाँ पर जो 3 रंग हैं वो सेम डिफरेंस में, ये थोड़ा आगे है, तो ये गोल्ड है, ये लास्ट, यहाँ से हमको वैल्यू को शुरू करना है।
यानी कि संतरी संतरी लाल, ये थोड़ा डिफरेंस में आप देख सकते हो, इसमें फ़र्क है, इसमें थोड़ा फ़र्क है, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हो, ये लास्ट का ही गोल्ड है। ठीक है, तो यहाँ से आपको स्टार्टिंग करनी है। ये हमारा संतरी, अभी हम सिल्वर की जगह जैसे कि ये संतरी संतरी वैल्यू वही रहेगी। ठीक है, तो इसका महत्व क्या हुआ, इसका महत्व अभी गोल्ड और सिल्वर का महत्व हम समझाएंगे। ये रहेगी 330 ओम, जहाँ पर भी सर्किट में ये रजिस्टर लगी है, ये लास्ट में गोल्ड आता है, तो ये आप देख सकते हो, ये हमारा जो गोल्ड है इसकी 5% वैल्यू ऊपर नीचे आप कर सकते हो, जहाँ भी सर्किट में लगी है, जहाँ भी गोल्ड रंग लास्ट में है। यदि आपके पास सिल्वर रंग लास्ट में है तो ये आप 10% कम ज़्यादा कर सकते हो, जो रंग लास्ट में आता है सिल्वर या गोल्ड, तो कम ज़्यादा आप कर सकते हो। वही आपको यही दिया है, जैसे कि हम स्लेटी रंग आपके लास्ट में आ जाता है तो 0.05 पॉइंट कम ज़्यादा कर सकते हो, बैंगनी रंग लास्ट में आता है 0.1% कम ज़्यादा कर सकते हो, नीला रंग लास्ट में आता है तो आप जैसे कि गोल्ड नीला ऐसे भी आ सकता है आपका, जैसे कि मैं आपको एक सैंपल दे देता हूँ, जैसे कि हमारा ये संतरी संतरी भूरा, फिर हमारा गोल्ड, और यहाँ पर आप जैसे भी देख सकते हो यहाँ कोई भी रंग आ गया लास्ट में भूरा। ठीक है, ये जो भूरा आएगा जैसे कि यहाँ पर 1% कम ज़्यादा आप इसकी वैल्यू कर सकते हो इस रजिस्टर की। ठीक है, ये गोल्ड से पहले भी आ सकता है, आपको निकालनी है वैल्यू इन तीन रंगों की जो आगे की तरफ होते हैं। ठीक है, ये जो तीन नंबर होता है जैसे कि आप देख सकते हो, ये हमारा जो डिजिटल डिजिटल और मल्टीप्लाई, ये जो तीन नंबर पे रंग आता है ये मल्टीप्लाई होता है, यानी कि जो भी नंबर है उसको उतने जीरो लगा के मल्टीप्लाई करो, यानी कि जैसे कि मैंने यहाँ सैंपल दिया है, ये आप देख सकते हो, ये बुरे का नंबर एक है तो जीरो ही लगेगी, एक ही लगेगा, यदि यहाँ पर पीला होता तो यहाँ पर 4 जीरो लगती। ठीक है, ये इसकी कम ज़्यादा की वैल्यू कर सकते हो, जो सा रंग लास्ट में आता है उसकी ये दी हुई है, सिल्वर भी आ सकता है, गोल्ड भी आ सकता है, कोई भी रंग आ सकता है, तो आप इसको एक बार पढ़ लेना। और दोस्तों ये मेरा था आसान तरीका, ठीक है, इससे आप जल्दी समझ जाओगे मुझे यकीन है, लेकिन जो ये तरीका है ये हम बनाएंगे अगली वीडियो में, ये थोड़ा टफ है और इसको समझने में थोड़ा हा आप वक्त ले सकते हो, लेकिन जो मैंने ये वीडियो बनाई है इससे आप बिल्कुल अच्छी तरह से समझ जाओगे। ठीक है, और मैंने ये पहले लिखा था, इसका मतलब है जो 999 है के नंबर से नीचे है, इस नंबर से नीचे है वो ओम के अंदर आता है, और जो के है ये यहाँ से शुरू हो के इसके पीछे, जैसे कि यहाँ एक के से शुरू, ठीक है, और ये हमारे यहाँ तक के रहता है, इस वैल्यू तक हमारा जो निकलती है आपकी वैल्यू, इस वैल्यू तक के रहता है। ठीक है, ये यहाँ ए सॉरी सॉरी यहाँ इस वैल्यू तक हमारा जो के रहता है, और इससे आगे होता है हमारा 1 मेगा से और 7, यानी कि 6 जीरो से स्टार्ट होता है हमारा, जो कि सॉरी 8, 1 मेगा स्टार्ट होता है हमारा, 6 जीरो जिसके पीछे 6 आती है, तो 1 मेगा की भी हम निकाल लेते हैं, जैसे कि हमारे पास है बूरा, ठीक है, फिर हमारे पास है बूरा, फिर हमारे पास आ जाता है जैसे कि नीला, तो ये हमारे पास नीला 3 नंबर पे आया है, फिर आता है हमारा गोल्ड। ठीक है, तो ये ती रंग है, तो हम क्या लिखेंगे इसको यहाँ, ठीक है, एक इसकी वैल्यू बुरे की एक, ये नीले की है हमारी 6 जीरो लगी, 1 2 3 4, ये 6 जीरो लगेंगे, तो अब आप इसको इकट्ठा करो,
ठीक है। अब इसकी जो वैल्यू है वो आपको निकालनी है, यानी कि ये हमारी जो 11 m, ये 6 0 को आप छोड़ दो पीछे के पीछे, ठीक है, इसका मतलब है हम मेगा में आ गए। ये हमारी 11 m मेगा, ये हमारी वैल्यू निकलेगी 11 मेगा, ठीक है। ये हमने के का भी निकाल लिया, ओम का भी निकाल लिया और मेगा का भी निकाल लिया। ये था मेरा जो आसान तरीका, बिल्कुल आसान तरीका है दोस्तों, इससे आप अच्छी तरह से समझ जाओगे। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, यदि आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जाएं, मुझे कमेंट करें, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और दोस्तों वीडियो को शेयर ज़रूर किया करो। थैंक यू।